इसमें रनक वरह वक्त इमरान खान की शानदार फतेह और कंपनी और पी डीएम की बदतरीन शिकस्त क्या इसके बाद सबक सीख लिया गया है वो जो बंद कमरों में चंद लोग बैठे हुए सबको ये कहते पाए गए थे कि इमरान खान पे हमने सुर्ख लकीर लगा दी है इसका कोई सियासी मुस्तबिल नहीं है आप इसको छोड़ के अपना मुस्तबिल बचाए और दूसरी जमातों में चले जाए क्या जिन्होंने तकबुर से रौनत से यह बात की थी उन्होंने सबक सीखा है या अभी मजीद छितर खाने का उनका प्रोग्राम है पहले आपको यह बता देता हूं ये हैं कि जिन्होंने तकबर और रौनत से यह बातें की थी वो डटे हुए हैं और उन्होंने मीडिया को नून लीग को खास तौर पर यह टास्क दिया है कि आपने इमरान खान की जाति जिंदगी को निशाना बनाना है इमरान खान की करेक्टर असासिनेशन करनी है अभी तक गो के कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन ये एक मैदान हमवार करना शुरू कर रहे हैं मैं आपको बुरी खबर सुनाने के लिए और आज का दिन डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बता रहा लेकिन हर चाल से आगाह करना बड़ा जरूरी है ये टेरियन वाइट केस में इमरान खान को नायल करने का मनसूबा रखते हैं लेकिन कोई भी चीज करने से पहले आपको ग्राउंड हमवार करना पड़ता है क्योंकि कोई बयानिया बन नहीं रहा जब कोर्ट से फैसला आएगा अवाम रिजेक्ट कर देगी तो कैसे मनवाएंगे अवाम से नवाज शरीफ जब नायल हुआ था लोगों ने मिठाइयां बांटी थी नवाज शरीफ को दो बार इन्होंने हुकूमत से निकाला और मार्शल लगा के एक बार निकाला और दूसरी बार नायल हुआ नवाज शरीफ दोनों बार लोगों ने मिठाइयां खाई लेकिन इमरान खान को जब निकाला तो लोग सड़कों में निकल आए रोए लोग चीखे चिल्लाए कि हमारे साथ क्या जुल्म किया है आपने फर्क है बहुत ज्यादा नवाज शरीफ को सजा हुई थी मिठाइयां थी इमरान खान को सजा दिलवाई गई मैं दिलवाई गई का लफ इस्तेमाल कर रहा हूँ लोग मिठाइयां नहीं बांटेंगे लोग सड़कों पर होंगे एहतजाज करेंगे लोग चैन से बैठने नहीं देंगे और इनको भी ये पता है इनसे बयानिया बन नहीं रहा इन्होंने एक और कोशिश शुरू की है और टास्क दिया है कि जिंदगी को डायरेक्ट निशाना बनाया जाए इसका आगाज कर दिया गया है मरियम नवाज की एक कनीज खास ने शुरू कर दी है बातें और ये पर्सनल नोयत की बातें करने के लिए झूठे इल्जाम लगा के ऑडियो वीडियो का जिक्र होगा और जी इमरान खान की बेटी है तो फ्लां है इसरा की बातें करके ये मुसलसल एक बयानिया बनाएंगे ताकि लोगों का दिमाग तैयार हो जाए जैसे उन्होंने घड़ी 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 का बयानिया बनाया था अब ये उसका बयानिया बनाना शुरू कर रहे हैं तो आपको मैं एडवांस में बता रहा हूँ कि कुछ करेक्टर्स जो हैं जिन्हें खतरा है कि इमरान खान वापस आ गया तो हमें नहीं छोड़ेगा वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है लेकिन कुछ करेक्टर ही नहीं है जाहिर है कि किस्टैब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं वो बहुत बड़ी होती है मैं आपको कहा करता था कि लेयर होती हैं आपको याद है ना मेरी टर्मिनोलॉजी इसके बहुत सारे हिस्से होते हैं कुछ ताकतवर और डिसाइसिव होते हैं कुछ इन्फ्लुएंशियल होते हैं कुछ मशवरा करने वाले होते हैं कुछ सिविल साइड पे होते हैं कुछ रिटायर्ड जजेस होते हैं रिटायर्ड जनैल होते हैं इन सब का असर होता है कि हाँ, फैसला एक बंदे ने करना होता है लेकिन कायल करने वाले उस तरफ भी कर सकते हैं और इस तरफ भी तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा कि है कि तसलसल जिंदा है बल्कि पहले से ज्यादा हम आसमान से गिर के खजूर में अटक गए हैं तो मैं आपको अब बताता हूं कि जो दो में खेल खेला गया इमरान खान तमाम सर्वेज में कामयाब जा रहे थे इमरान खान ने इलेक्शन जीतना था हर हाल में इन्हें पता था कि सादा अक्सरियत इमरान खान लेने जा रहा है इन्होंने तब एक प्लान बनाया, एक सिनिस्टर प्लान बनाया बनाया कि इमरान खान को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाएंगे उसके लिए सुबह पंजाब महाज बना जनूबी पंजाब सुबह महाज और वो इमरान खान के साथ शामिल किया गया वो पांच लोग थे दस लोग थे जितने भी लेकिन एक दाग लग गया इमरान खान पे कि जी जनूबी पंजाब सुबह महाज नवाज शरीफ से तोड़ के इधर डाला गया तो जी फैज हमीद और बाजवा ने इमरान खान को बना के दी है तो नंबर्स कभी नहीं बोलते। नंबर्स और बात करते हैं और जो सिर्फ आपका रेटोरिक होता है वो और होता है बयानिया कोई और होता है नंबर और होते हैं मैं आपको नंबर से साबित करूंगा कि वह झूठ था हम पहले जायजा लेते हैं दो के इलेक्शन के नतज का सिर्फ आपको टॉप का बताऊंगा ज्यादा टाइम जया नहीं करूंगा हम पहले भी ये देख चुके हैं पिछली वीडियो में 2018 में जब बाजवा फैज हमीद दोनों लगे हुए थे इमरान खान की मदद करने तो इमरान खान के उम्मीदवार को 81,000 हजार वोट मिला था यह वो वक्त था जब बाजवा और फैज हमीद बकोल पीडीएम डीएम जमातों के और बकोल खुद बाजवे के, के हमने मदद की थी इमरान खान की हम सियासत में हिस्सा डालते थे हमने सिर्फ पिछले साल सोचा कि आप सियासत नहीं करेंगे जब बाजवा फैज दोनों मदद कर रहे थे थे तो वोट मिले थे 193 में आप जरा चेक करते हैं बाजवा और फैज हमीद के रिटायर होने के बाद इमरान खान का उम्मीदवार नब्बे हजार वोट लेता है ये आप गौर से देखें नीचे से आपको सेकेंड लास्ट नजर आएगा तरीके लबैक और उससे ऊपर आपको तहरीके इंसाफ का नजर आएगा आप देखें एंड में 90,392 वोट्स हैं दूसरी तरफ आजाद उम्मीदवार के इतने वोट थे वो अब नून लीग के उम्मीदवार को मिल गए हैं वो वोटों में कोई फर्क नहीं आया तरीके इंसाफ का वोट बढ़ गया है पीपल्स पार्टी का वोट नीचे चला गया है तो इमरान खान के लिए तो ये ब्लेसिंग है इमरान खान अल्लाह का शुक्र अदा कर शुक्र है बाजवा और फैज उम्मीद रिटायर हुए हैं क्योंकि अगर ये साथ ऐसा दे रहे थे कि कम वोट पा रहे थे तो इनके जाने के बाद ज्यादा वोट हो गए हैं तो इमरान खान तो खुश है कि शुक्र है ये गए हैं मेरे ऊपर एक दाग जो लगा था वो भी हट गया है ये सारा एक बयानिया था आजम सवाती साहब ये मीडिया पे बार बार बता चुके हैं कि हमने जब आर टी सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन करने का कहा तो इसने बगलोल ने ब्लॉक करवा दिया कि छोड़ें जी आप क्या करते हैं बस हुकूमत करें आप इसे पता था ये पकड़ा गया तो पता चलेगा ख्वाजा आसिफ को इसने सीट जिताई राना सनाउल्ला को इसने सीट जिताई और ऐसी बेशुमार सीटें हैं जो इमरान खान की जीती हुई इस बंदे ने नून लीग को जितवाई नून लीग चालीस से ज्यादा सीटें नहीं जीतने वाली थी दो हजार अठारह के इलेक्शन में इसने बीस से बाईस सीटें नून लीग को ज्यादा जिताई और दस सीटें कम अज कम पीपल्स पार्टी सताइस से तीस सीटें मैक्सिमम जीत सकती थी दस सीटें एक्स्ट्रा पीपल्स पार्टी को जितवाई गई हंड्रेड परसेंट मैं आपको बता रहा हूं तो इमरान खान की सीटें छीनी गई आर बंद करके जिसके बाद इमरान खान बेसाखियों का सारा लेने पे मजबूर हो गए क्योंकि मीशत तबाह हुई पड़ी थी और दोबारा इलेक्शन में जैसे अभी ये कहते हैं ना मेषत खराब है, है। एकदम दोबारा इलेक्शन में जाना भी इतना आसान काम नहीं था और मुल्क बड़े मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा था करंट अकाउंट डेफिनेट तकरीबन 20 अरब डॉलर था डॉलर थे ही नहीं मुल्क में ग्यारह अरब डॉलर आपने दो महीनों में तीन महीनों में देना था बहुत मुश्किल सूरत हाल थी आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि ये सारा झूठा बयानिया आज रद्दी की टोकरी जो है ना उसमें जाके गिर गया है कूड़ादान में जाके फेंक दिया गया है कि जी भाजपा फैद में जिताते थे अब तो खुद कहती है भाजपा की लाडली मरियम आप खुद कहती है कि स्टेब्लिशमेंट इससे दूर हो गई है ये बेजारो मददगार हो गया है सिर्फ कुछ जजिज इसकी सहूलतकारी आप भी कर रहे हैं मतलब कि कुछ जजिस शायद कोई फैसला दे देंगे लेकिन वो तो फैसला देंगे इलेक्शन कौन जितवा रहा है मुझे बताओ तुम्हारी बात मान भी ली जाए कि ये हैं इलेक्शन कैसे जीत रहा है अब तो बाजवा नहीं है अब तो फैज अमीद नहीं है कौन जीतवा रहा है ये झूठ था 2018 में शहबाज शरीफ को बनाने का प्लान था जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी इन्होंने उसका फायदा उठाने की कोशिश की कि इसको कमजोर हुकूमत मिलेगी हम इससे मुश्किल फैसले करवा के जिस आज आए मैफ का प्रोग्राम जरूरी है ना तब भी था आई का प्रोग्राम इससे करवा के मुश्किल फैसले करवा के मैशत को पटरी पर चढ़वा के इसको निकाल देंगे और कोरोना ना आता तो इन्होंने निकाल देना था तो मैं वापिस आता हूं अब मौजूदा सूरत हाल पर आपको बैकग्राउंड पता चल गया हो कि ये दाग बिल्कुल धुल गया है कि इमरान खान को इस्टैब्लिशमेंट लाई थी वरना आज इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ है क्या उखाड़ लिया है इस्टेब्लिशमेंट ने पहले से ज्यादा वोट ले रहा है इमरान खान इसका मतलब है इमरान खान की पॉपुलरिटी जेनवन थी सिर्फ इन्होंने उसकी सीटें काम की गई आतिफ खान को तो मेरे ख्याल में चंद वोटों से पैंतीस वोटों से सौ वोटों से हरवाया था इन्होंने तो फर्क नहीं पूरा कर सकते थे सौ वोटों का फर्क नहीं पूरा कर सकते थे हो सकता है ख्वाजा आसिफ को अगर जितवा दिया पांच सौ हजार वोटों का फर्क था रात को फर्क था सुबह जितवा दिया नाना जाट से हार गया था उसको भी जितवा दिया तो अगर इमरान खान के साथ होता बाजवा और फैजमी तो इमरान खान का भी आठ दस सीटें और जितवाना क्या मुश्किल काम था मुझे बताएं गेम समझ आ गई है ना आपको आप आगे आते हैं क्या सबक सीखा है इन्होंने नाजरीन मैं आपको आज मालूम की बुनियाद पर बता रहा हूं कि अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ेगा अदलिया को नजरिया जरूरत के तहत फैसला करने पर मजबूर किया जाएगा और यह जो एक खबर है कि तहरीके लब्बैक की कल मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल ताजे रहन की मुकम्मल हमायत जियो खबर दे रहा है न्यूट्रल चैनल न्यूट्रल की पार्टी चाबी वाले खिलौने और कल ही अदालत में केस लग रहा है एहतजाज हुकूमत के खिलाफ होगा या हुकूमत के हक में होगा यह हमें कल पता चलेगा एहतजाज में तकरीरें कैसी होंगी यह हमें कल पता चलना शुरू होगा कराइन यही बताते हैं कि नजरिया जरूरत को जिंदा करने के लिए दबाव बढ़ रहा है इतलात भी यही है कि जजिस पर दबाव बहुत ज्यादा है कि नजरिया जरूरत को जिंदा करो इलेक्शन किसी सूरत नहीं करवाने क्योंकि तीन चौथाई से इमरान खान जीत के आ सकता है सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है मैं इनको एक सिंपल बात और एक मशरा देना चाहता हूं आप लोगों के दिमाग में खन्नास घुसा हुआ है और वह बगलोल भी जाते जाते आखिरी तकरीर में क्या गया है कि पाकिस्तान की मीशत बहुत मसाइल का शिकार है कोई एक पार्टी मसला हल नहीं कर सकती मैं आपको आज बता रहा हूं चू चू का मुरब्बा कभी मसला हल नहीं कर सकता पाकिस्तान को एक पार्टी का अल्टीमेट रूल चाहिए विद क्लीन क्लियर मेजोरिटी आइडियली टू थर्ड थ्री फोर्थ जो भी हो जाए तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान ठीक चलेगा जिस बंदे को इतना वोट पड़ेगा जिस बंदे को लोग इतने प्यार से इतने चाह से लाएंगे उसको मुश्किल फैसले करने में उसके साथ खड़े होंगे गुरबत भी बर्दाश्त करेंगे परेशानी भी बर्दाश्त करेंगे मुश्किल फैसले करना आसान होगा उस बंदे के लिए जो पॉपुलर है और आपको छ महीने साल तो कम अज कम इतने मुश्किल फैसलों की जरूरत है कि अवाम किसी गैर मकबूल हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे आपको अगर कर यह लगता है कि आप टेक्नोक्रेट ला के मुल्क चला लेंगे या आप बिलावल को ऊपर बिठा देंगे लोग आपकी बोटियां नोच के खा जाएंगे लोगों के सबर का इम्तिहान ना लें होश के नाखुन लें इमरान खान पे कोई जेन केस नहीं है सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं अगर सजा हुई तो सिर्फ जी की मर्जी से होगी कोई जज इस पर सजा नहीं देगा ये याद रखिएगा अगर मुल्क को आगे लेके जाना है ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस खत्म किए जाएं इलेक्शन में मुल्क जाए जो भी जीत के आता है अवाम के मैंडेट का एहतराम करें पाकिस्तान ठीक हो जाएगा वरना आप जो जिद कर रहे हैं याद रखें इसको गौर से देखें कितने वोट पड़े हैं लेकिन मैं इसको आपके सामने के सिर्फ आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं जो लोग तकबुर से ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान वापस नहीं आएगा हमने सुर्ख लकीर लगा दी उन्हें सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं तकबर सिर्फ अल्लाह इज़्ज़त को सूट करता है उनका एक नाम भी अलमोतर है सूट उसी को करता है जिसमें कोई ऐब नहीं है जो मालिक है हर चीज का जो जो चाहे वो कर सकता है कि उससे सवाल नहीं पूछ सकता तुम लोगों से सवाल होगा तुम्हारी औकात नहीं है तुम एक आम इंसान हो कि तुम तकबर कर सको और एक और चीज जो कहते हैं ना हमने लाइन लगा दी खुदाई का दावा कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिरक बर्दाश्त नहीं करता बाकी सब कुछ कर लेता है फिराउन का अंजाम हमारे सामने है डरो उसके अंजाम से अभी भी वक्त है यू टर्न लो अवाम के साथ खड़े हो जाओ डाकुओं की सहूलतकारी छोड़ दो पाकिस्तान सीधे रस्ते पर चढ़ जाएगा मैशत भी ठीक हो जाएगी अवाम भी खुशहाल होना शुरू हो जाएगी और अवाम तुम्हें भी माफ करने के बारे में सोचना शुरू कर देगी अभी जो नफरत का लेवल है तुम लोग सोच नहीं सकते इसमें मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहता हूं इसमें अगर आप ऊपर देखें खात ने जो वोट डाले हैं वो इक्यासी हजार 466 वोट हैं और मर्दों ने जो वोट डाले हैं टोटल वो सतानवे हजार तीन सौ सोलह है आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि निकासी हजार वोटों में से ज्यादा वोट इमरान खान को पड़ा होगा क्योंकि खातिन मैं समझता हूं कि ज्यादा समझ गई हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल किसके पास है अगर इमरान खान के कैंडिडेट को नब्बे हजार वोट पड़ा है तो मेरी राय में पचास हजार वोट कम अज कम खातन का होगा और चालीस हजार मर्दों का वोट पड़ा होगा खातन का वोट बहुत मैटर करेगा जनरल इलेक्शन में भी आप देखते जाए इस बार अनप्रेसिडेंटेड टर्न आउट होगा खातन का नौजवानों का अनप्रेसिडेंटेड टर्न आउट होगा ये रोक नहीं सकते ये नयाली भी कर लेंगे ये पछताएंगे लेकिन अगर नहीं करेंगे नयाली तो मुल्क एक स्मूथ ट्रांजिशन में जाके और एक जमहूरी हुकूमत की तरफ चला जाएगा और मार्शल ला का दौर खत्म होगा जिसके बाद ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है हम बार बार मशवरा दे रहे हैं खुदारा होश के नाखुन ले लें समझ जाए पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अल्लाह पाक सब आप सबका हम यह नासिर हो अब सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया